राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन डेफिनेटली चेक आउट अ कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पहले आज का दूसरा सवाल, ये भी क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है। इसमें क्या होगा कि आपको एक लिंक लिस्ट दिया रहेगा, और उस लिंक लिस्ट का खासियत क्या है कि उसके बिगिनिंग और एंड में आपको जीरो दिया रहेगा, ठीक है। और आपको बताना है बिटवीन एवरी टू कंसेक्यूटिव जीरोस आपको कुछ नंबर्स दिए रहेंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स दिए रहेंगे, आपको उन सारे इंटीजर्स को रिप्लेस करना है उनके मर्ज्ड वैल्यू से। मर्ज्ड वैल्यू क्या होगा, जैसे कि एक बार हम बात करते हैं एग्जांपल से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। जैसे कि यहाँ पर दो कंसेक्यूटिव जीरो ये और ये है, राइट। तो इस दोनों सेट ऑफ जीरोस के बीच में कौन कौन से नंबर्स आए मेरे, थ्री और वन। इन दोनों को मुझे रिप्लेस करना है इसके मर्ज्ड वैल्यू से, और मर्ज्ड वैल्यू होगा इन सभी इंटीजर्स का सम, राइट। इन सभी इंटीजर्स का सम क्या होगा, 3 + 1 = 4, ठीक है। फिर अब इस जीरो के बाद नेक्स्ट जीरो कौन सा है, ये है, राइट। इन दोनों जीरो के बीच में सेट ऑफ वैल्यूज क्या क्या है, 4, 5, 2। इन सभी को रिप्लेस करना है इनके सम वैल्यू से, इनका सम वैल्यू क्या हो जाएगा, 4, 5, 2, 11, ठीक है। और इस तरीके से आपको लिंक लिस्ट को मॉडिफाई करना है। और बस एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि जो मॉडिफाइड लिंक लिस्ट होगा आपका, उसमें ये जो शुरुआत और एंड में जीरो हो रहे थे ना, और जो बीच बीच में भी हर नंबर को सेपरेट करते हुए जीरोस थे, उन सभी जीरोस को आपको इरेडिकेट कर देना है, ठीक है। तो बस यही छोटा सा काम है, और देखते हैं इसको करने का क्या सिंपल तरीका हो सकता है। वेल, क्योंकि मुझे एक बिल्कुल ही नया तरीके का लिंक लिस्ट बनाना होगा, जिसमें बहुत सारे नोड्स चेंज हो रहे होंगे, मतलब दो जीरो के बीच में सारे नोड्स मर्ज हो रहे होंगे, और मुझे जीरो को भी रिमूव करना है। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक नया ही लिंक लिस्ट क्रिएट कर लिया, और उस लिंक लिस्ट में मैं क्या स्टोर करने वाला हूँ, उस लिंक लिस्ट में मैं स्टोर करने वाला हूँ, जैसे भी मुझे जीरो इंकाउंटर होगा तो उस समय तक का मैं सम स्टोर करके रखूंगा। जैसे कि सबसे पहले मैं एक सम को इनिशियलाइज कर दूंगा, सम इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और उसके बाद जब तक मुझे नेक्स्ट जीरो नहीं इंकाउंटर होते हो जाए, तब तक मैं मुझे जो जो डिजिट इंकाउंटर होंगे, जो जो नंबर इंकाउंटर होंगे, उन सबका सम निकालते चलूंगा। जैसे कि सम को मैंने पहले जीरो से इनिशियलाइज किया, तो पहले सम हुआ मेरा सम इक्वल टू 3 प्लस इक्वल टू 3, तो सम हुआ 3 मेरा। उसके बाद से फिर मैंने आगे बढ़ा, उसके बाद सम का वैल्यू हुआ 4, ठीक है। और फिर जैसे ही हम आगे बढ़े लिंक लिस्ट में, तो मुझे मिल गया 0। इसका मतलब कि मैंने जो पहला सेट ऑफ इंटीजर था, मतलब जो पहला सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन टू कंसेक्यूटिव जीरो, मैंने एक मीट कर लिया। तो मैं अब क्या करूंगा कि एक सेपरेट नोड बना दूंगा, राइट, एक सेपरेट नोड बना दूंगा, उसका वैल्यू होगा 4, ठीक है। और उसका नेक्स्ट अभी फर्दर हम मतलब मॉडिफिकेशन के लिए छोड़ेंगे, इसको हम फर्दर आगे अपडेट करेंगे। अब आगे क्या करेंगे, हम जीरो तक पहुंच चुके हैं, फिर एक फर्दर आगे बढ़ जाएंगे, और तब तक सारे नोड का सम करते चलेंगे जब तक मुझे एक अगला जीरो फिर से इंकाउंटर नहीं हो। तो उसका सम का वैल्यू क्या होगा, 4 + 5 + 2, यहाँ पर हो गया 11। और उसके बाद अगेन आप देख सकते हैं कि मुझे जीरो मिल गया, जीरो मिल गया। इससे क्या हो गया मेरा दिक्कत, कि अब मैं सम नहीं ले सकता, राइट। अभी मतलब मेरा जो नंबर है वो काइंड ऑफ खत्म हो चुका है, ये सेट ऑफ जो नंबर्स चल रहा था वो खत्म हो चुका है। तो अभी तक का मेरा जो भी सम है उसको मैं इधर स्टोर कर दूंगा 11, राइट। और फिर इसके अगले के लिए मैं आगे कूच करूंगा, आगे मतलब मूव करूंगा, ठीक है। अब यहां तक मैं जीरो तक पहुंच चुका था, अब इस जीरो के आगे चल जाता हूं, और अगले दो जीरो के बीच में जो भी होगा सेट ऑफ इंटीजर्स उनका सम निकालूंगा। पर जैसे ही मैं इसके आगे बढ़ूंगा, मैं देखूंगा कि इसके आगे तो कुछ नंबर ही नहीं है, इसके आगे तो नल है, राइट। इसका मतलब कि आपने पूरे के पूरे लिंक लिस्ट को ट्रेवल कर लिया है, ठीक है। तो इसका मतलब बस यही दोनों आपके सेट ऑफ नंबर्स होने वाले हैं इन द मर्ज लिंक लिस्ट, राइट। तो बस इसी को करना है, इसी को इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपको लिंक लिस्ट आता है तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, राइट। और अगर लिंक लिस्ट नहीं आता तो हो सकता है कि आपको परेशानी हो। तो इसका कोड इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाते हैं। मैंने सबसे पहले क्या किया, एक बार मैं ड्राई रन कर देता हूँ, जो भी चीज मैं बोलूंगा ना उसका ड्राई रन कर दूंगा। 3, 1, 0, 4, 5, 2, 0, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या किया, एक मैंने एक नया नोड क्रिएट किया, राइट, एक सीओडो नोड है, इसका वैल्यू मैंने जीरो से इनिशियलाइज किया, और इसी के नेक्स्ट से मैं सभी जो नंबर आने वाला है ना मेरा सेट ऑफ, उसको मैं इसी के नेक्स्ट से पॉइंट करना चालू करूंगा, राइट। और एक मैंने पॉइंटर क्रिएट किया, ये मेरा सीओडो है, और एक मैं पॉइंटर ले जाऊंगा सीओडो पे, पीटीआर, ठीक है। और मैं टेम्प एक
फर्दर इटरेट करने के लिए एक वेरिएबल ले लेता हूँ, राइट, और उसको हेड से मैं इनिशियलाइज करता हूँ, और क्योंकि मुझे हेड तो जीरो ही मिलने वाला है तो मैं टेम्प के आगे एक पॉइंट करा देता हूँ इसको, राइट, और मैं सम को एक इनिशियलाइज कर लेता हूँ जो कि मुझे बताएगा करंट रनिंग सम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव जीरोस, ठीक है। तो जब तक टेम्प का वैल्यू जीरो नहीं आ जाए तब तक मैं क्या करूंगा, सम में टेम्प के वैल्यू को ऐड करते चलूंगा, ठीक है। सम प्लस इक्वल टू टेम्प का वैल्यू, यहाँ पर क्या हुआ थ्री, देन सम प्लस इक्वल टू टेम्प का वैल्यू, अब क्या हो जाएगा फोर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो टेम्प का वैल्यू क्या हो जाएगा, और टेम्प को मैं मॉडिफाई भी करते जा रहा हूँ, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, ठीक है। तो टेम्प एक एक करके आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया, टेम्प का जो वैल्यू है वो जीरो हो गया, इसका मतलब कि अब रुक जाओ, यहाँ पर अब इस लूप से ब्रेक करने का समय आ गया, ठीक है। तो इस पीटीआर का जो नेक्स्ट है इट विल पॉइंट टू अ न्यू नोड विच विल क्रिएट ऑन द रन टाइम, ठीक है। और इसका नोड का वैल्यू क्या होने वाला है, इस नोड का वैल्यू होने वाला है पीटीआर का नेक्स्ट, मतलब इसका जो नेक्स्ट है वो एक नया नोड क्रिएट होगा जिसका वैल्यू होगा सम के इक्वल, तो सम का वैल्यू क्या है फोर, ठीक है। और पीटीआर विल इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट, अब पीटीआर को मैं इस पे लेके आ जाऊंगा। अब इससे ले जाने का क्या फायदा होगा मेरा, वो आपको जस्ट इसके अगले इटरेशन में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि मैंने आगे एक नंबर को ऐड कर लिया है और मुझे अभी जीरो इंकाउंटर हो चुका है, तो मैं टेम्प को एक और बार आगे बढ़ा देता हूँ, राइट, क्योंकि अभी मेरा टेम्प का वैल्यू जो है जीरो पे है। अब मैं आगे बढ़ा देता हूँ ताकि मैं अगले नंबर सेट ऑफ नंबर्स को सम कर सकूँ, और सम का वैल्यू अगेन मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ जीरो से ताकि फिर से मैं सम ले सकूँ, ठीक है। अब फिर मैं फिर से, जब तक मुझे टेम्प का वैल्यू जीरो नहीं मिल जाता, मैं तब तक इसको सारे जो नंबर्स हैं उन सबको सम करते चलता हूँ। तो सबसे पहला नंबर आया मुझे फोर, फिर आया फाइव, फिर आया टू, तो मेरा टोटल सम का वैल्यू हो गया 11, और मेरा वैल्यू चल गया टेम्प का, मतलब जो इटरेटर है उसका वैल्यू चल गया जीरो पे अगेन, ठीक है। तो यहाँ पर से हम ब्रेक कर जाएंगे इस वाले लूप से, अब हम एक नया नोड क्रिएट करेंगे जिसका वैल्यू होगा 11, और पीटीआर जो अभी पॉइंट कर रहा है करंट वाले नोड पे उसका नेक्स्ट पॉइंट करेगा इस पे, ठीक है, इस पे पॉइंट करेगा। और फर्दर अब हम पीटीआर को अपडेट कर देते हैं इस पे। अब क्यों मैंने इस पे अपडेट किया, क्योंकि फर्दर जो नंबर होगा तो पीटीआर का नेक्स्ट जो है, मतलब इस नंबर का मुझे एक पॉइंटर चाहिए क्योंकि इसका नेक्स्ट पॉइंट करेगा जो नया नंबर क्रिएट होगा, तो इस नंबर पे पॉइंटर मुझे एक चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो मैं पीटीआर को अपडेट कर दूंगा पीटीआर के नेक्स्ट से विच विल पॉइंट टू 11, ठीक है। और सम का वैल्यू अगेन मैं इनिशियलाइज कर दूंगा जीरो से, और जो मेरा टेम्प वैल्यू था उस टेम्प को मैं अभी फिर फर्दर एक आगे बढ़ा देता हूँ, जैसे टेम्प अभी मेरा इस जीरो पे था, अब टेम्प को मैं फर्दर एक आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो अब जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो टेम्प का वैल्यू तो नल हो चुका है, तो ये बड़ा वाला जो लूप था वही ब्रेक कर जाएगा, यहाँ से आप ब्रेक कर गए तो ठीक है, आपका जो भी होना था काम हो चुका है। अब आप रिटर्न कर दोगे हेड ऑफ दैट मॉडिफाइड लिंक लिस्ट, तो उसका हेड क्या हो जाएगा, उसका हेड हो जाएगा ये फोर, तो इट इज स्टोर्ड इन सीडोज नेक्स्ट, ठीक है। तो आप सीडो का नेक्स्ट रिटर्न कर दोगे विच इज द हेड ऑफ दिस अपडेटेड लिंक लिस्ट। तो मुझे उम्मीद आपको समझ में आया होगा, अगर आपको लिंक लिस्ट आता है तो ये सारे क्वेश्चन मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं जो आप सब करते ही हैं। अगर आपने लिंक लिस्ट नहीं पढ़ा अभी तक तो हो सकता है कि आपको नहीं समझ में आए, पर फिर भी मैंने कोशिश किया कि आपको पूरा बेसिक से लेके चलूं। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, या फिर हमारे सारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप उधर पे जुड़ के हमसे डाउट पूछ सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। दैट्स इट फॉर नाउ, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, थैंक यू।